आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है डिस्कवर हैप्पीनेस की एक अमेजिंग सीरीज में जिसका नाम है एम्स्टर्डम। और इस यूरोप के ब्यूटीफुल से शहर में आपको दिखाऊंगा मैं सिटी के बारे में और भी बहुत कुछ, खाना पीना, रहन सहन, लाइफस्टाइल, कितने पैसे चाहिए आपको एम्स्टर्डम घूमने के लिए और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए इस सीरीज पे। और हाँ, इसको आखिर एम्स्टर्डम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक डैम है जो कि रिवर एम्स्टल पे बना हुआ है और इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है एम्स्टर्डम। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक दिस फैक्ट एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो आइए बात करते हैं एम्स्टर्डम किन चीज़ों के लिए मशहूर है। सबसे पहले वहाँ की रिन्यूएबल एनर्जी जो कि है सोलर पावर्ड एंड थ्रू विंड मिल्स, और इसी से पूरे शहर में बिजली सप्लाई होती है। और नंबर टू पे आता है वहाँ की स्पेशल चीज़ जो कि है बहुत मशहूर, हॉलैंड की चीज़। तो अगर आप हॉलैंड गए तो वहाँ की चीज़ ज़रूर ट्राई करें। और नीदरलैंड मशहूर है अपने यहाँ बनने वाली ख़ास बियर्स का, जो कि है हैनिकन और एम्स्टल। तो ये दो बियर्स की डिस्टिलरी एम्स्टर्डम में है। और हाँ, एम्स्टर्डम एक पार्टी प्लेस है जहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं एंजॉय करने, रिलैक्स करने और पार्टी करने। तो सर, ये तो हो गया एम्स्टर्डम का इंट्रोडक्शन, और अब दिखाएंगे आपको सीधे एयरपोर्ट से होटल की जर्नी और फिर होटल से क्या होता है आगे एपिसोड्स में धीरे धीरे देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक लाइक एंड शेयर और कॉमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, अच्छा लगता है। तो मेन सेंटर में पहुँचने के कई तरीके हैं, लेकिन मैंने चूज़ किया ट्रेन से, तो जो कि यहाँ से टिकट मैंने लिया और वो टिकट मिला मुझे करीब 6 यूरो का, और टाइम लगा अराउंड 17 मिनट्स टू रीच टू एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन। तो ये है रूम जो शुरू होते ही ख़त्म हो गया है। ऑलराइट, सो ये अंदर दाखिल हुए और ये बेड है, बस यही चे। और बाहर का नजारा अभी नहीं दिख सकता, टीवी है। And then you have shower room और ये छोटा टॉयलेट। यहाँ पर भी टॉयलेट में बिडे नहीं है, बस यही है। तो ग्लास हैं और पानी है, आप चाहें तो अपनी बॉटल ले आए। ये मुझे किसी ने बताया था कि एम्स्टर्डम में रूम्स बहुत छोटे होंगे, सो बी रेडी फॉर इट। सो दिस इज़ इट। बाकी का नज़ारा कल दिखाएंगे और अपने को भी कल ही दिखाएंगे, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, फ़्लाइट डिले हो गई थी और ये सब कहानी चलती रहेगी। तो कल मिलते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो जी, सुबह हो गई है और रात में मैं यहाँ पे करीब 10:30-10:30 बजे पहुँचा था। बाहर देखा तो सब कुछ मोस्टली बंद हो चुका था। थोड़ा एक चक्कर लगाया, एक इंडियन रेस्टोरेंट खुला था, तो गलती से मैं चला गया एक वो शॉर्मा वाली शॉप पे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द इंडियन रेस्टोरेंट। शॉर्मा लिया, नॉट गुड, तो वो बस जैसे कैसे खाया। उसके बाद सर आ करके यहाँ पे कॉफ़ी पिए और फिर सो गए थे। अभी उठे हैं, थोड़ा तैयार हो गए, रूम इज़ इन अ मेस ऑलरेडी, ठीक है, तो अब बस नीचे जाने लगे हैं। और हाँ, कल मैं आपको ये सेफ्टी लॉकर दिखाना भूल गया था, तो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स भी है, अच्छी स्पेस है रखने, सामान रखने के लिए अच्छी स्पेस है, यू नो। और यहाँ पे है मिनी बार जो कि खाली है, ठीक है। तो चलिए सिटी डेक देखते हैं, देयर इज अ नाइस पिक्चर हियर, ये भी आज देखेंगे, ये डैम स्क्वायर का एरिया है। तो चलिए बाहर चलते हैं।
सो वेलकम टू एम्स्टरडैम दोस्तों, ठंड हो गई है -4। सामने ये है रॉयल पैलेस, ब्यूटीफुल एकदम, मूवी का सेट लग रहा है। ये जगह कहलाती है डैम स्क्वायर। और सुबह के 10 बजे हैं, लग रहा है जैसे अभी सुबह हुई हो। और यहाँ से आप 13 यूरो का टिकट लेकर के ये वाली बोट एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने प्राइस लिए हैं, ये हॉलैंड के मशहूर प्राइस हैं, ज़्यादातर लोग यही खाते हैं नाश्ता खाना हर टाइम। तो चलिए ट्राई करते हैं। 5.25 के मीडियम प्राइस। This is Amsterdam special. Okay, -4 degrees. ये देखिए लोग यहाँ पर भी अपने प्यार के ताले लगा चुके हैं और बर्फ भी देखी पड़ी हुई है सुबह की। ऑल राइट, तो नाश्ता हो गया एंड नाश्ता क्या, वही फ्राइज़ और साथ में एक कॉफ़ी। टोटल 10 यूरो, 4 की ये थी कॉफ़ी थी और 5.5 के फ्राइज़। मैं थका थका लग रहा हूँ शक्ल से, यस थकन हो गई है बट दिल नहीं भर रहा है ये सब नज़ारे। मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूँ ब्रिज के ऊपर, उधर से मैंने वो लिए थे अपने फ्राइज़ और यहाँ आकर के फ्राइज़ और कॉफ़ी मैंने यहाँ खड़े होकर एंजॉय कर लिया। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी दिख रहे हैं जो वीडियोग्राफी चल रही है। ब्यूटीफुल। ओके, तो मेरे पीछे ये साइट सीइंग का ये ऑफिस है, तो मैंने यहाँ से एक लोकल गाइड ये ले ली यहाँ से। तो मैं ये चेक कर रहा था इनसे कि अगर डायरेक्टली टिकट लें कहीं से तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कि इनसे लेना, तो इन्होंने बोला कि डायरेक्ट भी वैसे ही है, बस ये है कि यहाँ से आप पूरा बुक कर लेंगे तो एक साथ हम आपको उसमें कुछ डिस्काउंट हो जाएगा अगर काफ़ी सारे टूर्स करते हैं। बट अदर देन दैट कोई ख़ास वो नहीं है। तो मैंने ये सिटी गाइड ले ली है और इसमें देखेंगे क्या है बेस्ट आसपास घूमने वाला। गीथोर्न जहाँ जाना था वो नहीं हो पाएगा, वो सैटरडे को ही चांस है, सैटरडे को यहाँ से वो जाती है, एवरीडे नहीं है बस सर्विस। तो चेक करते हैं, अगर मिल गया कहीं और से तो विल गो टू गीथोर्न, अच्छी जगह है। बट अगर नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, विल सी द अदर प्लेसेस इन एम्स्टरडैम।
यूरोप की आपको एक और बात अनोखी बताता हूँ कि पानी यहाँ पे नहीं मिलता है रूम में। ऐसे नॉर्मली होटल में दो तीन बोतल पानी की वो रख देते हैं, बट यहाँ पे नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पे इटली में भी नहीं था। यहाँ पे मैंने अभी देखा कि नीदरलैंड का पानी जो है वो बहुत साफ़ है, पीने लायक है। तो उन्होंने बोला कि आप टैप वाटर यहाँ पे पी सकते हैं। ऐसा मुझे नहीं पता था, आई डोंट नो, सबको पता होगा, मैं ही अकेला हूँ जिसको नहीं पता ये बात। तो यहाँ पर ये रूम में टैप वाटर से पानी पी सकते हैं। ओके, और मैंने अभी उसी से जो है कॉफ़ी बनाई है। कॉफ़ी स्टेशन ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में एक हेयर ड्रायर कॉम्प्लीमेंट्री है जो कि पूरा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आप यूज़ कर सकते हैं बट यू डोंट टेक इट विद यू। तो मेरे होटल का नाम था इंटेल होटल, जो कि मैंने बुक किया था booking.com से, और मुझे अच्छे रेट्स मिल गए थे इस पर। अभी सीज़न टाइम है तो रेट्स फिर से ऊपर बढ़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 7 nights का 756 है, बट जब मैंने लिया था तब ये 4 nights का मुझे अराउंड 250 के अंदर मुझे मिल गया था। तो इट वॉज़ अ गुड डील दो, एंड इट्स अ गुड होटल, सो डू चेक आउट अगर आपको ये अच्छा लगता है। वैसे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन स्टे है, ये भी जो है अच्छा होटल है। तो वैसे नॉर्मली एम्स्टरडैम और नीदरलैंड में और इवन होल यूरोप में होटल्स के रेट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आपने रूम तो देखा ही कितना छोटा सा रूम है, तो बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ कोर्स। बट आई विल रिकमेंड अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप हॉस्टल भी ले सकते हैं, हॉस्टल में बंक बेड्स वगैरह होते हैं, तो लेट्स चेक आउट दैट एज वेल। तो जिस तरह से ये द वाइट ट्यूलिप हॉस्टल है, तो आप देख सकते हैं 7 nights का टोटल जो आ रहा है वो 113 BD में आ रहा है। तो और फ्री कैंसिलेशन है और कोई पेमेंट नहीं चाहिए, तो यू कैन बुक दैट। एंड अदर्स आर लिटिल एक्सपेंसिव एंड देर इज़ वन मोर एक्सप्लोर, बट आई गेस द वाइट ट्यूलिप लुक्स नाइस। सो इफ यू वॉन्ट टू रिकमेंड समवन और इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एज अ सोलो ट्रैवलर, यू कैन गो टू दीज हॉस्टल्स। नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या मतलब, आप यू विल बी शेयरिंग दैट रूम, आपको बेड स्पेस, आपको बंक बेड मिलेगा, कुछ इस तरह से ये वाला। ओके, तो ये आपकी स्पेस रहेगी और इसमें नीचे लॉकर रहता है, लॉकर फैसिलिटी है, तो आप उसमें आराम से अपना जो चीज़ें वैल्यूबल्स हैं आप लॉक कर सकते हैं, एंड यू कैन एंजॉय योर ट्रिप और पैसा आप दूसरी चीज़ों पर खर्चा कर सकते हैं। ओके, फ्लाइट बुक करने के लिए आपको एक कमाल की साइट बताता हूँ जिसका नाम है मैट्रिक्स एयरफेयर सर्च। तो आप गूगल पे लिखिएगा और ये पहला ऑप्शन जो आएगा आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें सारे एयरलाइन आपको एक बार में दिखा देगा कि कौन कौन सी एयरलाइन आपके इस सेक्टर पे जाती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बहरीन टू एम्स्टरडैम। और अगर आपको एग्जैक्ट डेट सर्च करनी तो यू सर्च एग्जैक्ट डेट, बट आई विल रिकमेंड चेक द कैलेंडर, सो प्लान अकॉर्डिंगली। तो लेट्स से फ्रॉम 1st February टू 7th February फॉर एग्जाम्पल, फॉर 7 days 7 nights, एंड हियर यू गो। सो इसमें आपको ये दिखाएगा कि कौन कौन सी डेट्स पे फ़्लाइट सबसे सस्ती है। तो ये आप रेगुलर सर्च भी ऐसे भी कर सकते हो, कभी आपको फ़्लाइट चेक करनी है अपने लिए तो यहाँ से आप सर्च करेंगे, बट बुकिंग यहाँ से नहीं होगी। यू हैव टू गो बैक टू द एयरलाइन पोर्टल या एयरलाइन वेबसाइट पे, वहाँ से जाकर के आप बुकिंग। तो यहाँ पे देखिए पेगासस की ये फ़्लाइट है जो 197 की शो कर रही है। ओके, तो ये फेयर आप इस डेट्स पे आप इनकी साइट पे पाएंगे। तो आई होप कि सबको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, आगे के आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाऊंगा एम्स्टरडैम से जुड़ी हुई और भी काफ़ी सारी चीज़ें और बहुत कुछ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन यू टेक केयर, शब खैर।